हेलो भाई, क्या हालचाल। मैं अंकुर राव, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। भाई आज अपनी गाड़ी है ना, इसको वॉशिंग करेंगे और वो भी प्रेशर वॉशर के साथ में, मस्त तरीके से बढ़िया। थोड़ी मिट्टी विट्टी हो रही है गाड़ी के ऊपर, ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि थोड़े दिन पहले धुलवा ली थी, लेकिन आज गाँव में आए हुए हैं तो यहाँ पर अपनी गाड़ी ना एक नंबर की बढ़िया धुलवा के लेके जाएंगे। यहाँ से खुद धोएंगे क्योंकि अपने प्रेशर वॉशर ले आए हैं बिल्कुल नया। उसका अगले वीडियो में रिव्यू दूंगा, कैसा रहा है कैसा नहीं रहा है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। बाकी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा गाड़ी धोते कैसे। अपनी ये देखो नेक्सॉन है, जो XZA प्लस टॉप मॉडल सनरूफ के साथ में जो आती है वेरिएंट है। और भाई सिंपल पानी से नहीं धोएंगे अपने, ये देखो पीछे देखो अपने आरओ मिनरल वाटर वाली अपनी पिकअप बुला रखी है भाई, बिल्कुल आरओ मिनरल वाटर है, देखो सामने आइस कूल मिनरल आरओ भाई, इससे धोएंगे, इसके पानी से बिल्कुल। इसको लगवाएंगे अब यहाँ पे और उस गाड़ी को अपने घर के अंदर लेके जाएंगे, वहाँ पे खड़ी करेंगे गेट के ऊपर और फिर इसको वॉशिंग करेंगे। तो चलो जल्दी से पहले इसको अंदर करते हैं और उस पिकअप ने यहाँ पर लेके आते हैं और फिर बाद में इसकी वॉशिंग करते हैं। भाई ये तो यहाँ पे खड़ी कर दिया, देखो गाड़ी ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से वॉशिंग करेंगे और आपको सारी वॉशिंग के बारे में बताऊंगा कि इसको वॉशिंग करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पिकअप को लेकर यहाँ पे मोड़ेगा रिवर्स करके, ये गेट ये देख ले क्या हाल है पिकअप का। देसी पिकअप है, महिंद्रा की पिकअप है, गाड़ी खत्म होने बॉडी खत्म होगी, गाड़ी खत्म नहीं होती इसकी। ये है अपनी मशीन अगारो की, ये बहुत नॉर्मल सिंपल सी, कोई ज़्यादा हैवी क्वालिटी की नहीं है, नॉर्मल क्वालिटी की है लेकिन अच्छी, क्योंकि अगारो के ना मैंने टूल्स पहले भी देखे हुए हैं। इसका रिव्यू अगले वीडियो में दूंगा कि भाई कितनी अच्छी रही, क्योंकि मैं भी पहली बार इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं कितने अच्छे तरीके से काम करती है। और मैं बताता हूँ आपको गाड़ी की वॉशिंग करते हैं आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। प्रेशर तो बिल्कुल बढ़िया है इसका, एक बात तो कहनी पड़ेगी। अभी इस नोजल को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं प्रेशर को, जैसे ऐसे अगर कर देंगे तो पानी इस तरह से आएगा, ये देखो नोजल ऐसे आएगी, ये देखो प्रेशर तो इसका काफ़ी तेज है, एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ यहाँ ठीक है, देखो टायर्स के जो ब्रेक्स होते हैं ना हमारे, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि हमारे पीछे ड्रम्स होते हैं, आगे डिस्क हैं, उनको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। होता क्या है कि जब भी गाड़ी मिट्टी या पानी वगैरह में जाती है ना, तो उस जगह मिट्टी भर जाती है और फिर वो क्या करती है, डिस्क के अंदर या फिर ड्रम होता है उसके अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो उनकी जो डिस्क होती है उनको बार बार टर्न कराने की जरूरत पड़ती है। अगर आप उनको अच्छे से क्लीन रखोगे तो बार बार टर्न नहीं कराना पड़ेगा उनको हमें। गाड़ी तो सही साफ कर रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त मिट्टी वगैरह सब क्लीन कर रहा है अच्छे से। और पता है बढ़िया बात क्या है, ये पानी ना ज्यादा यूज नहीं कर रहा, पानी बहुत सही यूज कर रहा है। तो भाई देख लो फिल्टर के पानी से गाड़ी धुल रही है अपनी। अब देखो आगे की साइड से करना है। अब पहले मेरा क्या काम है कि मेरे को जी देखो यहाँ पे जो ग्रिल है ना, ये रेडिएटर की होती है, यहाँ पे तो इंटरकूलर होता है, रेडिएटर इसके अंदर की साइड में होता है। इसमें क्या होता है कि सामने से जैसे आप मिट्टी के रास्ते में आते हैं तो मिट्टी काफी घुस जाती है, उसको क्लीन रखने के लिए कभी भी ध्यान रखना जो इसका जो फास्ट प्रेशर आता है ना, इसके ऊपर गोल प्रेशर आता है, कभी वहां से नहीं मारना इसको कभी भी, हमेशा इसको ट्राई ये कीजिए कि जितना कम मतलब कि जब उसको डाइवर्ट होकर पानी जाए ज्यादा फुहारे में जाए वो ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू एक लाइन में, लाइन में नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी ऐसा है, इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ, ये देखो कितना कम हो गया, ये देखो ये सही हो गया बिल्कुल, ये फुहार मारो इसके अंदर ऐसे। देखो मिट्टी आनी, देखो नीचे से मिट्टी आनी शुरू हो गई, देखो जो मिट्टी का पानी आ रहा है।
ये कह के आज तो आपका एयर कंडीशन इसी से काम करती है और गाड़ी के अंदर ना ये आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, किसी मिट्टी वगैरह कहीं आती है तो गाड़ी जल्दी से हीट भी नहीं होती है। अब देखो हमारा जो डिस्क है ना उसको यहाँ से क्लीन करना है अच्छे तरीके से इस जगह से। और रही बात इसके इंजन बे को साफ करने की, तो इंजन बे को साफ करने का तरीका हो रहा था, आपको उसका सबसे अच्छा तरीका कैसे करते हैं आगे बार। टायर्स हमारे यहाँ पे देखो इस जगह के ऊपर ना जो अपन डिस्क होते हैं, देखो यहाँ पे जो अपना डिस्क होता है इसको हमेशा डिस्क को ध्यान रखना चाहिए, इसके अंदर पानी मारना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो पैड्स होती है उन्हें पानी मारोगे ना इनमें जो भी कचरा वगैरह होता है वो साफ हो जाएगा, तो काली मिट्टी आएगी और ये जो डिस्क हमारी ये क्लीन रहेगी, इसके ऊपर लाइनिंग नहीं आएगी वो टर्निंग वाली, ये बात मैं कह रहा था। चलो इसको क्लीन करते हैं पानी मार के इसके अंदर अच्छे से। और इसको सिर्फ इसी साइड से नहीं, अंदर साइड जैसे बैठ के मैंने क्योंकि रैंप पे खड़ी कर रखी है वो इसलिए कर रखी है। चलो अपनी बाहर से गाड़ी का इंजन पे एक और क्लीन करता हूँ, उसको और दिखाता हूँ आपको। गाड़ी के इंजन में कभी भी डायरेक्ट पानी बहुत ज्यादा नहीं मारना चाहिए, आप रुक रुक के थोड़ा बहुत मार सकते हो और फवारे में मार सकते हो, क्योंकि क्या है कि BS6 गाड़ी या BS6 फेज 2 जो भी गाड़ी आ रही है इनके अंदर सेंसर बहुत ज्यादा आ रहे हैं इन गाड़ियों के अंदर। और मान लीजिए अगर जैसे ज्यादा प्रेशर के साथ आप डायरेक्ट मार देते हो पानी तो कोई आपके वायर भी टूट सकते हैं या फिर कोई सेंसर है वो खराब हो सकता है, तो वो फिर आगे जा दिक्कत आ जाएगी। अब देखिए जैसे कि ये वाली गाड़ी है मेरी, तो इसके अंदर यहाँ पे मिट्टी काफी ज्यादा हो रही है, तो मैं ज्यादा इसमें पानी ऐसे नहीं मारूंगा प्रेशर से, सिर्फ इसके ऊपर नॉर्मली मार दूंगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको और कम कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, अब देखो इस जगह पे ऐसे आ रहा है, ये मार देता हूँ वैसे। इंसुलेशन काफी अच्छा दे रखा है गाड़ी के अंदर। और टाटा ने देखो ये एक बढ़िया खासियत है इनकी, आपसे देखो बोनट का पता लगता है कि हाँ काफी हैवी बोनट दे रखा है इन्होंने। और जो इसका जो इश्यू होता है वो देखो इश्यू यहाँ पे होता है इस जगह पे, ये कवर्ड है ऑलरेडी, तो कुछ लोग क्या करते हैं पन्नी वगैरह डालते हैं इसके ऊपर ताकि इसमें पानी वानी ना जाए, बाकी इसकी जो वायरिंग्स वगैरह सब ऊपर की साइड के अंदर है, तो मेरे को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ नॉर्मली पानी मार रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं मार रहा, थोड़ा सा यहाँ बच जाती है उसको आप ऐसे क्लीन कर सकते हो इस तरह से। ये क्लीन हो गई, अब क्या करते हैं अब डालते हैं इसके ऊपर शैम्पू पूरे के ऊपर। तो शैम्पू के लिए हमें इसके साथ ना एक बोतल दे रखी है ये वाली, इसमें करना क्या है कुछ नहीं करना, बस जैसे ये लगी हुई ना इसके ऊपर हम इसको ऐसे दबाएंगे बस ये डल गई, सिर्फ इतना करना और कुछ नहीं। आप इसको चलाओगे लेकिन ध्यान रखना जब आप इसको चलाओगे इसको उतारने के लिए इस लीवर को ऊपर करेंगे तो निकल जाएगी ये, हमेशा ना कम सबसे कम उस पर होना चाहिए, लाइन पर नहीं होना चाहिए प्रेशर, ताकि सबसे बड़े इसके ऊपर लगे। दिखाते हैं अभी इसके अंदर भी मस्त। और इसके लिए ना मेरे पास एक वैसा शैम्पू भी है, लेकिन आज मैं ट्राई क्या करने जा रहा हूँ, मैं शैम्पू के बिना मैं ना क्लिनिक प्लस वाले जो एक रुपए वाले पाउच आते हैं ना वो 5 से 6 इसके अंदर डालूंगा, थोड़ा सा निवाया पानी डालूंगा यानी थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगा ताकि वो ना उसमें अच्छे से डिजोल्व हो जाए, उसके बाद देखते हैं कि क्लिनिक प्लस शैम्पू कितना मस्त तरीके से काम करता है। आज क्लिनिक प्लस को चेक करते हैं पहले कि शैम्पू के पाउच क्यों डाल रहे हो, ये क्यों डाल रहे हो भाई, जिस शैम्पू को हम अपनी बॉडी पे इंसान यूज कर लेता है आपको लगता है वो मेटल के लिए बहुत ज्यादा खराब होगी, बाकी लगता है तो ठीक है मत डालना, अब वड़ा मंगवा के डाल लेना। तो भाई शैम्पू डाल दिए 6 इसके अंदर, 1, 3 और 3, 6 पाउच डाल दिए, काफी ज्यादा हो गया इसके अंदर, थोड़ा पानी डालते हैं, निवाया नहीं डाल रहा थोड़ा, इसके अंदर जो बाहर का ट्यूब के अंदर पानी ना वो इस्तेमाल कर रहा हूँ,
इसको यहाँ रख देते हैं, बाद में फेंकेंगे इसको। ये वाला इस्तेमाल करता हूँ थोड़ा सा, इसका ये हो गया फुल। अब जरा एक बार इसको मिक्स करवा देता हूँ, एक बार इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे ब्याह के अंदर नहीं हो जाएगा जुड़िया चलो जुड़िया बजा। हाँ मिक्स तो हो गया, अब देखते हैं इसका जादू कुछ होता है कि नहीं होता, या फिर ऐसे बेफालतू में परेशान है रहा इतनी देर तक। क्या करना इसमें उठा के और अपने को यहाँ पे ये कर दिया फिक्स। अब इसको ऐसे पकड़ लेना, बस थोड़ा ध्यान रखना है। चलो अब करके देखते हैं अब कैसा क्या होता है। सबसे पहले इंजन बे के ऊपर ही मार देते हैं। वाह ज्यादा बढ़िया तो नहीं आ रहा लेकिन ठीक ठाक है, यूं तो ना कह सकता कि बड़ा मस्त आ रहा है लेकिन ठीक ठाक है। अब सही आ रहा है, तो प्रेशर तो काफी तेज है। ले एक मिनट ले क्या इंजन ब्रेक और क्लीन कर देता हूँ। मतलब वैसे तो मेरा मन था इसके ऊपर जो साबुन वाला कपड़ा होता है ना उससे भी क्लीनिंग करने का, कि साबुन का कपड़ा लेके फिर मारू हाथ मारू, लेकिन एक दो दिन पहले धुलवाई थी ना इस वजह से मेरा सोचा कि इतनी ज्यादा मिट्टी वगैरह है नहीं तो क्यों ही बार बार हाथ मारना इसके ऊपर। यहाँ से नॉर्मली क्लीन कर गाड़ी हो गई क्लीन मस्त तरीके से। खुशी कैसी हुई गाड़ी है खुशी किसी की साफ कपड़ा एंड इससे कर देंगे अभी पर क्लीन अच्छे तरीके से। तो भाई गाड़ी अपनी धुल चुकी है और बिल्कुल से कपड़ा वपड़ा मार के ना मस्त तरीके से रेडी कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी 1 2 3 ये देखो भाई यार गाड़ी में शाइनिंग काफी मस्त आ रही। बाकी ना ये जो नेक्सोन वाला जो ये वाला जो रेड कलर ना फ्लेम रेड इसके अंदर ना मेटलिक कलर बहुत प्यारा कलर लगता है ये रेड। ये दिन के अंदर ना थोड़ा सा आपको पर्ली पर्ली से दिखेगा, रात के टाइम थोड़ा सा डार्क हो जाता है और बिल्कुल नाइट हो जाएगी ना तो और डार्क हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन कलर बहुत प्यारा है ये रेड कलर। आपको अंदर का सीन और दिखाता हूँ भाई अंदर की कैसी क्या लग रही है। ये देखो भाई
यार इसका डैशबोर्ड डिजाइन तो मस्त है नेक्सॉन का। ये देखो ड्रेसिंग कर दी यहाँ पे भी, मैट्स भी काफ़ी अच्छी लग रही है, गाड़ी पीछे से भी क्लीन हो गई है। ये सामान वामान रखा है, इसको नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ आपको सब सारी चीज़ों के बारे में, अभी कैसी गाड़ी मस्त बन गई है। और इसके साथ में जो ना नेक्सॉन ने ये जो व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स दे रखी हैं आगे पीछे, और जो पीछे वाला साइड से तो भाई ये गाड़ी क्या मस्त लगती है। देखो टायर शाइन्स, देखो आप ये टायर शाइनर है उस पर लगा रखा है ये भी। ये देखो गाड़ी की, गाड़ी मस्त हो गई एक नंबर की, आप देख के मस्त दिख रही गाड़ी। ये देखो पीछे देखो ये व्हाइट कलर कितना प्यारा दिखता है यहाँ पे जो ये लगा रखे ना उन्होंने। ये जो है ये भी मेटल का है, बिल्कुल मस्त सेटिन ही है। ये टायर्स देख लो आप, पूरी गाड़ी मस्त तरीके से हो गई है। थोड़ा सा वाइड एंगल लेंस कर देता हूँ, वैसे चल तो ऐसी ऐसी जगह में रहा हूँ भाई, साफ सुख ना निकला हो कोई यहाँ पे सा तो गर्मी, लेकिन ये देखो सामने से, वाह यार क्या मस्त लग रही है। आप इसे बोनट दिखाता हूँ अंदर से कैसे दिख रही है भैया। ये देखो इंजन भी देखो बिल्कुल क्लीन, कोई चेक इंजन लाइट किसी तरह कोई लाइट भी नहीं आई है, क्योंकि मैंने ज़्यादा इतना पानी मारा नहीं था इसके अंदर। देखो काफ़ी क्लीन हो चुका है बिल्कुल इंजन बढ़िया तरीके से, इस पर कपड़ा नहीं मारा अभी, पर कपड़ा इस पर लगाना है मेरे को इस पर भी। तो भाई कैसी लगी आपको गाड़ी कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको वॉशिंग का आपको जो बताई दो तीन बातें वो कैसे लगी, एक तो आपको इंजन बे वाली, दूसरी आपके ये जो टायर्स की क्लीनिंग करते हो उस तरीके की। बाकी नीचे से तो हम क्लीनिंग इसको नहीं कर सकते हैं उस तरीके से, लेकिन अगर आप रैंप वगैरह आपके पास तो उसको भी आप कर सकते हो क्लीनिंग घर पर। बाकी आपको कैसी लगी वॉशिंग और इस बारे में जानकारी, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो भाई वीडियो अगर देख लिया तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।